जिन्होंने तूफान के बाद तुम्हें बुलाया था। यह तुम्हारी सिद्धि की यात्रा है। यह यात्रा उतनी सहज और सरल नहीं। सर्वनाश, महासर्वनाश। जब प्रकृति और परमेश्वर किसी से जात नहीं पूछते, तुम्हें किसने अधिकार दिया? बाबा, हम कुलकर्णी को कभी क्षमा नहीं करेंगे। अरे बाबा, तुम कूद क्यों गए? ये सब कुलकर्णी का किया धरा है। क्या रे छबूरा, मैंने उस गांव की पाखंडी फकीर को ऐसा कुछ तो नहीं कहा था कि वो विस्तर भुजंग नाग के कुएं में छलांग लगा कर आत्महत्या कर ले। अरे बोल ना छबूरा, अरे बोल ना। ऐसे क्यों पाई लोग की तरह लिचित हो रहा है? बोल बोल। कुलकर्णी भाव, छोटा मुंह बड़ी बात, पर सच ये है कि वो पाखंडी बाबा एकदम सिद्धि निकला और फिर एक ही हुंकार में कूद गया। हाँ भाऊ, आपकी एक ही धोबी पछाड़ते वो ढोंगी पाखंडी चारों खाने चित हो गया। लेकिन भाऊ, ज्यादा मजा नहीं आया। हाँ भाऊ, हमें तो लग रहा था कि आप उस पाखंडी बाबा को घसीट कर सीढ़ी से बाहर कर देंगे। बहुत मजा आता भाऊ। मजा आएगा नट्टू, बहुत मजा आएगा रे। बहुत मजा आएगा। वो डोगी पाखंडी तो चला गया और अपने पीछे बहुत से अनुयायी इसी निकाऊ में छोड़ के गया। देखो कैसे सबके मुंह लटके हैं रे। तुम सब चमत्कार की आशा में भागते हो, पागलपन की हद को लांघ जाते हो। लेकिन ये नहीं सोचते जिसने तुम्हारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार किया, जो हर बार तुम्हारी टकमगाती नैया का खवैया बना, जिसने हमेशा तुम्हारे दुख और परेशानी में कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया। गावाला, इस चिड़ी में तुम्हारा मालिक, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा तारणहार ये पुलिस पाटिल कुलकर्णी पाऊ है। कुलकर्णी पाऊ प्रसन्न है तो तुम सब की जिंदगी सही सलामत है। और कुलकर्णी पाऊ लूट गए तो भगवान भी तुम सबको नहीं बचा सकता।
सर झुका कर क्यों खड़े हो? उत्तर दो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तू अगर कुलकर्णी बाल तेरी मदद नहीं करता, क्या तेरी बहन की शादी हो पाती? नहीं हो पाती कुलकर्णी भाव, कभी नहीं हो पाती। पर तुमने अंगूठा लगवा कर मेरी सारी जमीन अपने नाम कर ली कुलकर्णी भाव, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? अगर वक्त रहते तेरी मदद नहीं करता तो क्या तेरी आई की अर्थी उठ पाती रहे? नहीं कुलकर्णी भाव, आपने बहुत मदद किया। आई तो चली गई कुलकर्णी भाव, पर उस दिन के बाद से हर रोज तुम मेरी और मेरे परिवार की अर्थी उठवा रहे हो। हर रोज हमको थोड़ा थोड़ा मार रहे हो। अर्थी उठवाने के नाम पर अंगूठा लगवा कर तुमने हमारी सात पुस्तकों को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। कुलकर्णी भाव ने हमेशा तुम सबका दुख दर्द बांटा है, हमेशा तुम सबका दुख दर्द बांटा है रे। और अगर विश्वास करना है तो केवल कुलकर्णी भाव पर विश्वास करना होगा, केवल कुलकर्णी भाव पे। कुलकर्णी भाव की, कुलकर्णी भाव की, कुलकर्णी भाव की, कुलकर्णी भाव। विश्वास? तुम जैसे राक्षस पर विश्वास? कितनी आशा जगी थी साई बाबा की शिरडी आने से, पर तुम्हारे कारण सब नष्ट हो गया कुलकर्णी, सब खत्म हो गया। कलियुग, घोर कलियुग। साई बाबा जैसे संत महात्मा खुद चलकर शिरडी आए, लेकिन कुलकर्णी जैसे राक्षस ने उन्हें लौट जाने पर मजबूर कर दिया। नहीं, हम कुलकर्णी को कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। कुलकर्णी बहुत ताकतवर है, हम उस पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। रहने की अनुमति नहीं दूंगा। निकल जाओ यहां से। नहीं, ये सब कुलकर्णी का किया जा रहा है। कुलकर्णी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको उसकी सरपू। अरे मैं कुलकर्णी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए क्या? मैं पागल हो गया हूँ? अरे जब तक मैं उस कुलकर्णी को मार नहीं डालूंगा, मेरे पागलपन को सुकून नहीं मिलेगा। अरे सच में मैं पागल हो गया हूँ? नहीं नहीं सरफू, ये ठीक नहीं। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है मैं ये नहीं जानता भाजा, लेकिन मेरे पापा को सताने वाला, उतारने वाला, भगाने वाला अब जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, मैं भी सरफू दिन के साथ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा?
कुलकर्णी की हत्या के अपराध में फिरंगी पुलिस सूली पर चढ़ा देगी ना, मंजूर है। चल सर को जाओ सर फुद्दीन। और तुम भी ठहरो नाना, जाने से पहले मेरी एक बात का उत्तर दे दो। यदि तुम लोगों ने उत्तर दे दिया तो मैं खुद पत्थर उठाकर तुम्हारे साथ चलूंगा। देवा पर तुम्हारा यकीन इतना कमजोर कैसे हो गया सर? जिसने तुम जैसे जनजात अंधे की आंखों में रोशनी भर दी हो, जिसके यकीन की डोर पकड़कर तुम बाईजाबाई को गुरुस्थान लेकर गए हो, तुम्हारी और बाईजाबाई की पुकार सुनकर जिसने बाईजाबाई के मुल्के तात्या को स्वस्थ कर दिया, उन पर तुम्हारा यकीन कैसे डगमगा गया सरफुद्दीन? क्या तुम भूल गए कि देवा की ही करामत से जमीन के नीचे चार दीपक दीप दीप कर जल रहे थे? और तुम नाना, तुमने अपनी आई को नहीं देखा? जो औरत पिछले 5 सालों से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, आज हम सबसे ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। फिर भी देवा पर तुम्हारा विश्वास अटल नहीं था। एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान विश्वास में ही वास करते हैं। वो यकीन ही है कि मस्जिद की अजान अल्लाह तक पहुंचती है। विश्वास ही है ना कि हम पत्थर को शिव मानकर पूछते हैं। विश्वास की ताकत पहाड़ों का सीना चीर डालती है, पर विश्वास अगर डगमगा गया ना तो शिव में भी पत्थर ही मिलते हैं और अजान की मीठी पुकार भी कर्कश लगने लगती है। यदि आप लोगों का साईं पर सच्चा विश्वास है तो उनका आना और जाना तो उनकी इच्छा है, पर वे हर पल हमारे साथ रहेंगे। हमारे पुकारने से पहले ही वो हमारा दुख दर्द मिटा देंगे। और ऐसे एक कुलकर्णी तो क्या, 10 कुलकर्णी भी आ जाए ना तो हमारे देवा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही उनके भक्तों का बाल भी बाका कर सकते। सिर्फ तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा कि तुम्हारे बैठने से ये पत्थर टूट जाएगा? क्योंकि तुम्हें यकीन था कि ये नहीं टूटेगा। ऐसा ही यकीन जब तुम अपने मालिक पे करोगे तो वो विश्वास की डोर कभी नहीं टूटेगी। हाँ बाजा भाई, कालिया जो दिया है वो वापस लेकर जा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल
चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। बच्चा कौन है साईं? ये सब क्या है देवा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ठीक तो हो ना साईं? अरे तुम चिंता नहीं करो बेटी, आज उस भयंकर विषधारी सांप को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठहरो, वहीं ठहर जाओ। कोई भी सोमू को हाथ नहीं लगाएगा। दिया है वो वापस लेकर जा। देवा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि बच्चा कुएं में गिर गया था? आप तो हम सबके साथ शिरडी में थे ना? अल्लाह मालिक। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। पीने के पानी को दूषित करना अनुचित है कालिया। इस घड़ी के बाद तेरा निवास कुआं नहीं जंगल होगा। जा और घने जंगलों में जाकर अपना आश्रय ढूंढ। ¶¶
शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। विस्तार से बताओ, इस सोमो कुएं में कैसे गिर गया था? बाबा, हर रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां बटोरने आई थी। सोमो की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसको साथ लेके आई और लिटा दिया। इधर पीछे जंगल में लकड़ियां बटोर लेते हैं, अगर जाग गए ना बहुत रोएगा। चल चलो ठीक है, चलो जल्दी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि बच्चा कुएं में गिर गया था? आप तो हम सबके साथ शिरडी में थे ना? अल्लाह मालिक। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। ये पाखंडी उस भयंकर भुजंग नाग से बचकर कैसे आ गया? तो तुम वापस आ गए। नजरों का फेर है कुलकर्णी, वरना मैं गया ही कब था, तो लौट कर वापस आऊंगा। समुराओ, डटो, दिखा अपनी लाठी। जी बाबू, चलो। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की।
परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की। मोरे साईं